नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन के व्रत चल रहे हैं और सावन के व्रत में मैंने खाने वाली बहुत सी रेसिपीज डाली हैं, आप सबने बेहद पसंद करी है, थाली भी डाली है, वो भी आपने बेहद बहुत प्यार दिया उसको भी। और आज फिर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार चीज सावन के व्रत में खाने वाला ये आटे का हलवा, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। आपको दिल करेगा बस ये इसी को खाएं और कुछ भी मत खाएं, इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिए एक कढ़ाई गैस पर, हमने इसको रख दिया और एक हम कटोरी की मेजरमेंट ले लेंगे, कोई भी एक कटोरी जो है हमने सेट कर लेनी है इस तरह से। और इसमें मैंने डाल दिया गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल रूटीन में, वही वाला एक गेहूं का आटा है। एक कप हमने ये गेहूं का आटा ले लिया और इसी कप के मेजरमेंट से हमने एक कप जो है देसी घी ले लेना है। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें देसी घी जो है आप अपने मन मुताबिक भी डाल सकते हो, लेकिन इसकी जो बढ़िया अगर आपने हलवा खाना है आटे का उसमें जो है बराबर की क्वांटिटी पड़ेगी। मैं जो है इसमें एक कप जो है देसी घी का ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल हल्के फ्लेम में जो है मीडियम फ्लेम में हमने जो है इसको पका लेना है, कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से जो है भून लेना है। भूनना जो है इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और आटे के हलवे में घी डालना भी बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी मर्जी के अनुसार कम ज़्यादा जो है इसकी घी की क्वांटिटी को कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपका हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो। और जब भी आप हलवा बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं, उसी में जो है ये बढ़िया लगता है। अच्छे से इसको भून लेंगे। वैसे तो आटे के हलवे में हमें बिल्कुल भी फ्लेवर्स के लिए कुछ डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इलायची वगैरह या केसर, लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल, आप इसमें हरी इलायची को पीस के डाल सकते हो। मैं जो है इसमें कुछ भी नहीं डालूंगा, इसी तरह से जो है इसको बहुत ही ये बढ़िया बनेगा। अच्छे से हमने इसको लगातार हिलाते हुए इस तरह से इसको मीडियम लो फ्लेम में इसको जो है हमने भून लेना जब तक ये हल्का सा रेडिश में ना आ जाए। देख रहे हो कि अच्छा से ये भून रहा है और बिल्कुल इसी तरह से हमने जो है इसको भून कर रेडी कर देना। आप देख सकते हो हमने इसको भून रहे हैं और इसका कलर भी जो है काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हमने और भूनना है। मैंने जो है इसमें बराबर का घी डाला है, लेकिन आप चाहें तो आप इसमें कम क्वांटिटी में घी ऐड कर सकते, आप अपनी मर्जी के हिसाब से बनाइए। लेकिन जब ये बन जाएगा तो अब आप देखिएगा इसमें घी का जो प्रेजेंस है, घी का जो फ्लेवर है इसके अंदर, घी से इसका जो बनावट है वो किस तरह से बनती है, ये किस तरह से बनकर तैयार होगा घी के साथ, तो उसका जो मजा है उसका जो टेस्ट है वो कुछ और ही है, और ही लेवल का जो है टेस्ट आता है इसमें। तो लीजिए आप देख सकते हो अच्छे से ये भून चुका है, बहुत ही बढ़िया जो है महक आ रही है पूरे घर में, बहुत ही बढ़िया सी जो है इसकी खुशबू आ रही है। इस टेस्ट पे अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो उसी कप की मेजरमेंट मैंने रखी हुई है और इस कप की मेजरमेंट से जो है मैं इसमें चीनी डालूंगी, तो ये एक कप और ये आधा और। वैसे तो आप डबल डाल सकते हो चीनी, लेकिन मैं इसमें जो है डबल नहीं डालूंगी, तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें डालूंगी पानी, वो भी इसी कप की मेजरमेंट से इसमें जाएगा पानी। मैंने जो है इसमें चार कप पानी डाल दिया और जल्दी जल्दी से इसको हमने हिलाना है ताकि इसमें जो है बिल्कुल कोई लम्स ना पड़े। इस तरह से हम जल्दी जल्दी से इसको हिलाएंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं मैं किस तरह से हिला रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको हिलाना है। और आप देखोगे कि मिनटों में जो है ना ये हमारा आटा जो है एकदम से फूल जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। हमने एक कप आटा लिया, उसमें डेढ़ कप हमने चीनी डाली और हमने चार कप जो है इसमें पानी के ऐड कर दिया, और एक कप ही जितना हमने आटा लिया था उतना ही हमने इसमें घी डाल दिया। गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे और इसमें हल्के से हमने जो है ड्राई फ्रूट डाल देने हैं, बादाम, आप चाहें तो भिगोकर छील कर डाल सकते हो और आप चाहें तो इसी तरह से जो है काट कर भी डाल सकते हो। मैंने जो है भिगोकर छील कर डाला। ये देखिए आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जा रही है, बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। इसको लगातार हिलाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप हमेशा याद रखिएगा कि इसको लगातार जरूर हिलाएं, पानी डालने के बाद लगातार हिलाएं इसको ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। देखते ही देखते ही गाढ़ा हो गया, ये देख रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। अभी हमने इसको इस तरह से पकाते रहना है। इस स्टेज पे आप फ्लेम जो है स्लो कर दीजिए, इतना ये टेस्टी बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे जब आप इसको बनाओगे। आप सावन के व्रत में इसको इजीली खा सकते हो, आप चाहे तो खाली ये हलवा खाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अब गैस पर हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इस तरह से इसको हिलाएंगे। अब ध्यान रहे जब भी हम आटा भूनते हैं इसको थोड़ा सा रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हमारा हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कभी गुरुद्वारे में हलवा खाया, आटे का हलवा जो है गोल्डन टेम्पल में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा, या किसी भी गुरुद्वारे में आप गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ आटे का हलवा ही मिलता है, अभी इसी तरह से वो बनाया जाता है। लेकिन आटे के हलवे में ज़्यादातर जो है ड्राई फ्रूट नहीं डाले जाते हैं, लेकिन हमने जो है इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, लेकिन आटे के हलवे में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है ड्राई फ्रूट्स की या कोई भी फ्लेवर की, इलायची की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। ये देखिए आप देख रहे हैं कि इस टाइप से जो पैन है घी जो है छूट गया, घी जो है पैन ने छोड़ दिया। ये और इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो उसमें एक चम्मच की घी आप इसमें और ऐड कर सकते हो। अब दोबारा से जो है गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया और बिल्कुल हल्के फ्लेम में हमने इसको इस तरह से पका लेना है। जो गुरुद्वारे वाले होते हैं ना वो और भी ज़्यादा घी इसमें डालते हैं, यानी कि जैसे वो एक कप आटा लेते हैं तो दो कप हम उसमें घी डालेंगे, तीन कप चीनी डालेंगे और चार कप इसमें पानी, तो एक दो तीन चार ऐसे। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा घी जो है किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। और आप देख सकते हो
बिल्कुल जो भी है इसमें एक्स्ट्रा घी जो है ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया, बस हल्का हल्का ही आप देखोगे कि इसमें जो है इस तरह से ऑयल छोड़ दिया, और हलवा अगर इतना भी घी नहीं होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से ऑयल जो है इसने घी को छोड़ दिया। तो देखिए आप देख सकते हो किस तरह से ये घी जो है छूट चुका है पैन से, घी जो है इस तरह से ऊपर आने लगे, मतलब कि हलवा हमारा बनकर हो गया तैयार। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसको जो है हम सर्व करेंगे। तो जब घी इस तरह से ऊपर आ जाए मतलब कि हमारा हलवा जो है बनकर तैयार हो गया। अब गैस बंद कर सकते हो आप और अब हम इसको करेंगे सर्व। अब हम ले लेंगे एक बोल जिसमें हमने हलवे को सर्व करना है। गया हमारा ये हलवा, लग रहा है ना बढ़िया, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, शक्ल से भी लग रहा है ये टेम्पटिंग इतना, और इसको गरम गरम खाइए आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अब आप इसको गार्निश कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स के साथ, मैं काजू और बादाम के साथ जो है इसको गार्निश करूँगी इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है टेस्टी लगते हैं। तो काजू और बादाम इसमें खूब सारे लगाइए और मज़ा लीजिए इसका। लेकिन ये काजू और बादाम जो है सोख करके मैंने बादाम को लंबा लंबा कट कर लिया और काजू को भी मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट करने के बजाय मैंने जो है इस तरह से आधे आधे पीसेस निकाल कर इस तरह से जो है मैंने इसको डाला। आप चाहे तो इसमें पिस्ता डाल सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो, लेकिन इसी तरह से बनाइए बहुत मज़ेदार लगेगा। इसको गाइस ट्राई कीजिए सावन के व्रत में और आपको कुछ और खाने का दिल नहीं करेगा, आपको मन करेगा बस ये आटे का हलवा बनाइए और खा लीजिए। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ, धन्यवाद।